रोहन प्रीत सिंह के साथ डायवोर्स की खबरों पर नेहा कक्कर ने पहली बार अपनी चुप तोड़ी है। नेहा कक्कर ने जो जवाब दिया है उसने बड़ों बड़ों की बोलती बंद कर दी है। नेहा ने क्या जवाब दिया है चलिए आपको बताते हैं। पिछले कई दिनों से ये खबरें चल रही थी कि नेहा कक्कर और उनके पति रोहन प्रीत सिंह के रिश्ते में दरार आ गई है और बात डायवोर्स तक पहुँच गयी है। दरअसल नेहा कक्कर ने 6 जून को अपना 35th जन्मदिन मनाया था। उनकी बर्थडे पार्टी में पूरा परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे, लेकिन इस पार्टी में रोहन प्रीत सिंह का ना होना कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए। इतने बड़े मौके पर रोहन प्रीत सिंह की गैर मौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। लवी ढवी नेहा और रोहन जो एक दूसरे का कभी साथ नहीं छोड़ते, इस खास दिन पर साथ क्यों नहीं थे। इतना ही नहीं, रोहन प्रीत सिंह ने नेहा को सोशल मीडिया पर भी बर्थडे विश नहीं किया, जो कि हर बर्थडे पर किया करते थे। वहीं से ये खबरें वायरल होने लगी कि नेहा और रोहन का रिश्ता अब टूटने वाला है। इसके बाद नेहा अकेले एयरपोर्ट पर भी दिखी गई, जिसने इन खबरों को और ज्यादा हवा दे दी। लेकिन अब नेहा ने इस डायवोर्स खबरों पर स्टॉप लगा दिया है। डायवोर्स की खबरें नेहा के कानों तक भी पहुंच गई, जिसके बाद नेहा ने रोहन प्रीत सिंह के साथ अपनी एक साथ फोटो शेयर की। इनमें दोनों बेहद ही करीब नजर आ रहे हैं। फोटोज में दोनों काफी खुश भी दिखाई दे रहे हैं। नेहा ने इन पिक्चर के जरिए जवाब देने की कोशिश की है कि उनके और रोहन के बीच कोई दरार नहीं आई है, बल्कि दोनों आज भी साथ में बेहद खुश हैं। नेहा बर्थडे के बाद पति के साथ छुट्टियां मनाने गई थी। हालांकि रोहन प्रीत सिंह नेहा के बर्थडे पर मौजूद क्यों नहीं थे, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया, लेकिन इन पिक्चर के जरिए उन्होंने डायवोर्स की खबरों पर शटअप जरूर दे दिया है। वेल, आप क्या कहना चाहेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप नेहा कक्कर के फैन हैं तो इस वीडियो को कर दें लाइक, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और मजीद ऐसी लेटेस्ट न्यूज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा।